Hazrat Maulana Fazlur Rahman Sahab, mere bhai Shahbaz Sharif bhai, Maryam Bibi, Sherpao Khan, Hazrat Maulana Anas Nurani, Nurani Sahab, Hazrat Sheikh Ul Hadis Mamur Gari Ghurbani Ul Hadis, mere leader, mere dost. Davami National Party Karkunanu Hazrat Maulana Fazlur Rahman aaj aap mujhe thodi si ijazat denge gadbad nahi karunga kisi ko gaali nahi dunga kisi ke baap baap ki izzat nahi uchalunga lekin jo kuch mere zehen mein hai aap se bhi aapke saathiyon se bhi yahan Maulana sahab इस मैदान में हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद के पैरोकार बैठे हैं इस मैदान में बाचा खान के पैरोकार हैं इस मैदान में जुल्फकार अली भुट्टो के पैरोकार इस मैदान में गौसे बख्श बजिंजो अताउल्लाह मेंगल और दूसरे अकाबरीन के पैरोकार बैठे हैं जो कुछ हो रहा है मैं देख रहा हूं मौलाना साहब ये सारी कयादत हयात खान शहीद का भाई बेटा है ये सारी कयादत अपने उन कायदीन की मकरूज है जिन्होंने पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक यहां आईन की हुकुमरानी के लिए यहां बुनियादी हुकूक के लिए बेहतरीन कुर्बानियां दी सिंध के बहादुर सपूतों ने खैबर पश्तूनख्वा के बहादुर सपूतों ने बलूचिस्तान के पश्तून और बलोचों ने पंजाब के बहादुर जमहूरी लोगों ने सराकी बल के लोगों ने मार्शल लॉ के खिलाफ घोड़े खाए बहुत से मालूम और नामालूम गरीब इंसान आईन की बालादस्ती के लिए शहीद हुए लेकिन वो मकासद अभी तक हमें नहीं मिले हैं अगर हमने अपने उन अकाबरीन की इज्जत करनी है हमने उनकी अरमानों की तकमील करनी है तो जैसे मेरे दोस्त नूरानी साहब ने कहा हम पे ये कर्ज है पाकिस्तान हम सब का मुल्क है ये हमें किसी ने खैरात में नहीं दिया ये एक रजाकाराना फेडरेशन है यहां पश्तून बलोच सिंधी सरायकी और पंजाबी अपने अपने वतनों पर रहते हैं यह 21वीं सदी है 21वीं सदी जमहूर की सदी है जमहूरियत की सदी है मौलाना साहब वो मीर तकी मीर का शेर था लेसान से भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम ठीक है इमरान चला जाएगा इमरान गिर चुका है इमरान चला जाएगा क्या हम ये कयादत पाकिस्तान के अवाम और उन शहीदों को ये पैगाम दे सकते हैं कि हम उनको एक ऐसा पाकिस्तान देंगे जिसमें ताकत का सरचश्मा अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट होगी अगर मौलाना साहब आपकी कयादत में शाहबाज भाई आपकी कयादत में मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके भाई को आपको किस गुनाह की पादाश में 10 साल बाहर भेज दिया गया किस गुनाह की पादाश में जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाई गई किस गुनाह की पादाश में बेनजीर को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया किस गुनाह की पादाश में बाबड़ा से लेकर कोयटा तक सिंध में पंजाब में ये कैसा मुल्क चलेगा आप पंजाबियों को सिंधियों को बलोचियों को सरायकियों को 144 की खिलाफ वर्जी करने पे गोलियों से मारेंगे और आईन को आप मजाक बनाएंगे नहीं चलेगा यह मुल्क आईन की बालादस्ती के बगैर नहीं चल सकता और जो पागल इस सोच में है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है
पाकिस्तान का दोस्त वो है जो यहाँ आइन के बालादस्ती के लिए काम करेगा, पाकिस्तान का दोस्त वो है जो यहाँ पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाएगा। कोई बलोच, कोई पंजाबी, कोई सिंधी, कोई पश्तून इस मुल्क का दुश्मन नहीं है, लेकिन उसके बच्चों का ये हक है, उसकी माँ बेटी का ये हक है कि जिस वतन में वो रहता है और जिस वतन में वो पैदा हुआ है उसमें अल्लाह पाक ने जो नियामतें पैदा की हैं उस पे आईनी तौर पे मौलाना साहब अगर उन बच्चों को हक आप तस्लीम नहीं करवा सकते, ऐसी हुकूमत में मत जाइए, ऐसी हुकूमत में मत जाइए। मरियम बीबी, आपका वालिद अपने वालिद को कंधा नहीं दे सका, वो मुसाफरी में था, शाहबाज मुसाफरी में था, आपके नाना दादा उफात पा गए, आपकी वालदा बीमार वहां से लाई गई। ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ कि आज भी ऐसी कुवतें हैं जो इस मुल्क में आइन की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करती, और आइन खुद कहता है कि जो आइन को फाड़ता है, जो आइन पे हमला करता है, जो उसको सस्पेंड करता है वो गद्दार है। ये आइन का हुक्म है, ये महमूद का हुक्म नहीं, ये फजल रहमान का हुक्म नहीं, ये मियाँ अपने नूरानी मियाँ का हुक्म नहीं, ये शाहबाज का हुक्म नहीं, ये आइन का हुक्म है। आइन इस मुल्क को जोड़ने का, ये हम मुखालिफ नहीं है। बाज़ बातें मैं नहीं कह सकता पब्लिक में, बेनुसतूर मुझे मौलाना फजल रहमान ने डायरेक्ट नहीं कहा है, लेकिन मैं समझ सका हूं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हम जलसा गांव में फौजियों के खिलाफ नहीं बोलना चाहते। आइन के बालादस्ती कायम रखने के लिए दो रास्ते हैं मौलाना साहब, दो रास्ते हैं। पाकिस्तान की जुडिशरी भी सुन ले, पाकिस्तान की इंतजामिया सुन ले, पाकिस्तान का प्रेस सुन ले। एक रास्ता ये है कि हम अकल से काम लें, अकल के नाखून लें, और कोई शरीफ आदमी, बिल्कुल अगर मैं तजवीज़ करता हूँ दोनों में से जो आपको पसंद हो, एक ये कि अगर इमरान चला जाता है, और उसने जाना है इंशाल्लाह, इमरान चला जाता है तो जो कुवतें इक्तदार में आए वो इन तमाम इदारों की मीटिंग बुलाए, जिसमें अफवाज पाकिस्तान भी बैठे हों, जिसमें जुडिशरी भी बैठी हो, जिसमें मुल्क के दानिश्वर भी बैठे हों, जिसमें मुल्क की प्रेस भी बैठे हों, जिसमें मुल्क के सियासी लोग बैठे हों, और हम बैठ के फैसला करें कि जो हुआ वो हुआ, आए इस मुल्क को चलाएं और इसको बचाएं, और फिर मिल बैठ के हम हर इदारा उस फ्रेम में रहे जो आइन ने उसके लिए मुकर्रर किया है। अजीब बात है जब कोई शरीफ आदमी कहता है कि फलाने इदारे को अपने हदूद में रहना चाहिए तो हुक्म आ जाता है ये इदारे को कमजोर करना चाहते हैं। इदारे अपने फ्रेम में रहने से नहीं खराब होती, इदारे डूल रिस्पांसिबिलिटी में खराब होती हैं जब अपने काम छोड़ के वो दूसरे काम शुरू कर देते हैं। हमारा मुल्क हर लिहाज से बेहतरीन मुल्क है, बेहतरीन पानियों का मुल्क, बेहतरीन मौसमों का मुल्क, दुनिया जान की नियामतों का मुल्क, लेकिन वजह यह है कि इसमें आइन की बालादस्ती तस्लीम नहीं की जाती। पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट जब तक ताकत का सरचश्मा नहीं होगी, मौलाना साहब उस पार्लियामेंट में आप ना जाइए, शाहबाज भाई उस पार्लियामेंट के आप वजीर आजम न बने जिसमें बालादस्ती अवाम की ना हो, जिसमें बालादस्ती पार्लियामेंट की ना हो। हमें फौजियों को सलाम, मेरा टोपी भी पहनी हुई है, जो फौजी, जो जज, जो जर्नलिस्ट, जो सियासतदान आइन का एहतराम करने, मैं मौलाना समेत सलूट करता हूं उसको, और जो आइन से खिलवाड़ करे मुर्दाबाद, जो आइन से खेले मुर्दाबाद, जो आइन न माने मुर्दाबाद। ये मेरा स्लोगन है, ये पाकिस्तान के जमहूर का स्लोगन है, ये हमारे अकाबरीन का। मौलाना साहब आप ये जो
आए हुए हैं आपके अनसार। पिछली दफा यहां हफ्तों से गरीब लोग बैठे रहे, वो मालाकान के पहाड़ों से लेकर वो खुजदार के वो से लेकर यहां बैठे रहे। मैं तफसील में नहीं जाता, मुझे मालूमात भी नहीं है। आपसे मुज़ाकरात हुए, आपसे मुज़ाकरात हुए, आपसे वादे वईद किए गए, और कुरान करीम कहता है इन अल्लाह कान अहद मसूला। मैं वादे की पुरसिश करूंगा, आपसे वादे हुए लेकिन निभाए नहीं गए, किस किस पे भरोसा करते हैं आप जी? इन कान अहद मसूला आदा, यस इन आदा कान मसूला। मेरे मतलब ये है, एक रास्ता ये है कि हम मिल बैठ के हम गुनाह माफ कर देते हैं। आपने हमें गोलियां मारी हैं, आपने हमारे बच्चों को मारा है, आपने हमें सैकड़ों जाल जेल दी है, अब मेहरबानी करे तौबत नसू, आखिरी तोबा, पक्का तोबा हर इदारा करे, एक उसमें बैठे, एक मेज पे बैठ के आए इस मुल्क को चलाएं, बेहतरीन मुल्क चल जाएगा। और अगर ये रास्ता कोई नहीं मानता, मौलाना साहब आप थोड़े से उम्र में मुझसे छोटे हैं, 3-4-5 साल, मजबूरी है। फिर इस उम्र में हमने इन्हीं आवाम की ताकत से उन कुवतों को मशकीजा डालना है उनके मुंह में, ताकि पाकिस्तान को हम चला और बचा सकें। गॉड ब्लेस यू, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम की क्यादत हजरत मौलाना फजलुर रहमान